26 जून से मंगल के चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे मायावी ग्रह केतु। कुछ राशियों को देंगे जबरदस्त लाभ तो कुछ राशियों को परेशानी भी देंगे। केतु को माना जाता है मोक्ष, अध्यात्म और वैराग्य का कारक ग्रह। हैरान कर देने वाली सफलताएं भी देता है केतु ग्रह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष में राहु और केतु को पापी ग्रह माना जाता है, तिलस्मी ग्रह माना जाता है, मायावी ग्रह माना जाता है, शैडो ग्रह माना जाता है, यानी छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में ये बहुत पावरफुल होकर बहुत हलचल मचाते हैं। जिस तरह राहु और केतु का राशि परिवर्तन ज्योतिष में बहुत मायने रखता है, उसी तरह इन दोनों पापी ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी ज्योतिष में कई बार बहुत बड़े उल्टफेर कर देता है। कई राशियों को बहुत सफलता की सौगात दे देता है, कई राशियों को अचानक परेशानियों के भंवर में डाल देता है। व्यक्ति के पारिवारिक जीवन, व्यक्ति के कैरियर, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कभी नेगेटिव रूप में, कभी पॉजिटिव रूप में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केतु ग्रह जो है इस समय स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 26 जून 2024 की शाम 6:13 पर वो स्वाति नक्षत्र से निकलकर मंगल के यानी अपने दुश्मन के चित्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। अपने शत्रु के नक्षत्र में केतु हलचल मचाते रहेंगे, कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा देंगे, कुछ राशियों को अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि केतु अचानक उनकी कैलकुलेशन को बिगाड़ सकते हैं, धन हानि दे सकते हैं, हानि दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है, वैराग्य का प्रतीक भी माना जाता है, अध्यात्म का कारक भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मायावी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और जब परेशानी देने पर आते हैं तो चारों तरफ से मुसीबतों में घेर देते हैं। अब केतु चित्रा नक्षत्र में 26 तारीख को आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र 14वें नंबर पर है, इसके स्वामी मंगल हैं। 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र सबसे ज्यादा चमकने वाला नक्षत्र भी माना जाता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे बहुत भाग्यशाली, बुद्धिमान, बलवान, ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए उनके अंदर स्ट्रांग विल पावर रहती है, अपना दी बेस्ट देते हैं। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होने के कारण ये लोग काफी हद तक पॉलिटिक्स में, प्रशासन में, शासन में बहुत हायर पोजीशंस पर रहते हैं। अब केतु जो है वो शत्रु मंगल के चित्रा नक्षत्र में 26 जून से आ रहे हैं, तो केतु ग्रह किन राशियों को जबरदस्त फायदा देंगे उनका जिक्र भी मैं करने जा रहा हूं, किन राशियों को थोड़ा अलर्ट मोड पर रहना होगा उसका जिक्र भी करने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। केतु का नक्षत्र परिवर्तन जिन राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों की मुश्किलें जो है वो केतु आसान करते चले जाएंगे। मेष राशि वालों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी, हेल्थ आपकी बेटर रहेगी, लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके काम की बाधाएं जो आ रही थी वो दूर होती जाएंगी। दूसरी भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है, जिसके लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत शानदार नतीजे देने वाला है। वृषभ राशि वाले जो जोड़े हैं, जो दंपत्ति हैं, जो युगल हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। यह समय आपके लिए सुनहरा साबित होगा, कई मोर्चों पर सफलताएं मिलेंगी, हैरान कर देने वाली सफलताएं भी आपको मिलेंगी। तीसरी भाग्यशाली राशि सिंह राशि है, चित्रा नक्षत्र में केतु का प्रवेश सिंह राशि वालों को आर्थिक फायदा देगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लंबे समय से चले आ रहे विवाद खत्म होंगे, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आमदनी के नए सोर्स बनेंगे, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि है, केतु के नक्षत्र गोचर से धनु राशि वालों के लंबे समय से अटके हुए काम बनेंगे, कैरियर में कई तरह से आप आगे बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी, मन आपका काम में लगा रहेगा, कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है, बिजनेस में डबल मुनाफे की आप उम्मीद कर सकते हैं। पांचवी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपको जीवन की धारा को बदलने वाला साबित होगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, शनि का भी आपको साथ मिलेगा, आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे, केतु के कारण आपके जीवन में कुछ बड़े सुखद सरप्राइज भी होंगे, मन को खुशी देंगे।
और ये तो थी पांच भाग्यशाली राशियां जिन्हें केतु नक्षत्र परिवर्तन करके लाभ देने वाले हैं। अब उन राशियों का जिक्र भी कर रहा हूं जिन्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है केतु के नक्षत्र परिवर्तन से, और थोड़ा अलर्ट रहना होगा। इनमें पहली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वालों को वाहन सावधानी से चलाना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा, लव लाइफ में कंफ्रंटेशन से बचना होगा, गलतफहमी से बचना होगा। बस वृश्चिक राशि वालों को केतु का नक्षत्र परिवर्तन थोड़ी सी असुविधा दे सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पक्ष का ख्याल रखना है, छोटी मोटी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है, समय समय पर डॉक्टर से आप हेल्थ का चेकअप करवाते रहिए। परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ी कहा सुनी हो सकती है, लेकिन आपको अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मकर राशि वालों को बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टकराव से बचना होगा। कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ संबंधों में थोड़ा तल्खी आ सकती है, लव लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।